पिछले क्विज के विनर्स हैं नाइट फ्यूरी जेड, पोकी गेमिंग XD एंड सुपीरियर ग्रीनिंजा। कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस। तो अगर आप सभी को ऐसे ही शॉर्ट आउट चाहिए तो वीडियो में पूछ गए क्विज का आंसर सबसे पहले देना होगा। जो तीन लोग सबसे पहले आंसर देंगे उनको मिलेगा मेरी नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट। एंड वन मोर थिंग गाइस, प्लीज़ चेक आउट नाइट फ्यूरी जेड। नाइट फ्यूरी जेड के चैनल को जाकर चेकआउट कर लेना एंड गाइस सब्सक्राइब कर देना। मैंने उसके चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो जाके सब्सक्राइब कर देना। तो चलो यार आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो कैसे आप सभी लोग, उम्मीद है बढ़िया होंगे। तो आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं पोकेमॉन फायर एश, जहाँ पे गाइस पिछली बार हमने जीत लिए थे अपने तीन और नए जिम बैच, जो कि था गाइस रंबल बैच, प्लांट बैच एंड वोल्टेज बैच। एंड गाइस पिछली वीडियो में हमें अपना नया पोकेमॉन हावलूचा मिल गया था एंड अपना फ्लैचलिंग इवॉल्व हो गया था फ्लैचेंडर में। एंड गाइस मैंने अपने पोकेमॉन के थोड़ा ट्रेनिंग कराई है, स्लिगू को छोड़ के बाकी सबका मैंने ट्रेनिंग करा दिया है, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में बहुत सारे ट्रेनर स्किप किए थे, तुम लोग ने देखा ही होगा। तो मैंने उन सबसे जाके बैटल की है, तब मेरे पोकेमॉन इतने ज़्यादा लेवल अप हो पाए हैं। तो गाइस इस वीडियो में हम अपनी आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे, सो लेट्स बिगिन। तो गाइस यार फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू यार, तुम लोग मेरी हर वीडियो पे एकदम तगड़ा सपोर्ट दिखाते हो। एंड हमारे जो नए नए फ्रेंड्स जुड़ रहे हैं हमारे साथ, उनका बहुत बहुत स्वागत है। गाइस तुम लोग आगे भी ऐसे ही सपोर्ट करो एंड फटाफट से गाइस 200 सब्सक्राइबर्स करवा दो यार। तो चलो माल हम लोग आ चुके हैं रूट नंबर 14 पे। एंड ये देखो यार सरीना है ये तो। एश आई हैव फिगर्ड आउट व्हाट आई वांट टू डू, आई एम गोइंग टू बी अ पोकेमॉन परफॉर्मर। तो गाइस फाइनली इसने डिसाइड कर लिया कि इसे पोकेमॉन परफॉर्मर बनना है एंड ये हमारे साथ बैटल कर रही है। तो इसके पास दो पोकेमॉन है, वो इसका फेनिकन इवॉल्व हो गया, वाह अच्छी बात है। ब्रैक्सेन है इसके पास यार। तो चलो अपना स्लेगू लेवल 33 का हो चुका है एंड इसका नेक्स्ट पोकेमॉन है गाइस पैंचम। तो पैंचम ये इस गाइस सेल्वियन पैंचम एंड क्या नाम था यार जो भी नाम था, ये तीनों पोकेमॉन इसके पास थे। तो हमने सरीना को हरा दिया है एंड गाइस फाइनली अपना स्लेगू इवॉल्व हो रहा है। फिलहाल उसका टाइम तो पिछली वीडियो में था, लेकिन चलो ठीक है हम लोग ने इवॉल्व कर दिया है गुडरा में। तो वेलकम गुडरा टू आर टीम। कोई नया अटैक तुम सीख रहे हो? ओके यार ये एक्वा टेल सीख रहा है, तो मैं रेन डांस अब हटा दे रहा हूँ। जब तुम लोग को अपने स्लिगू को इवॉल्व करना हो तो रेन डांस बहुत कंपलसरी होता है, उसके बिना स्लिगू तुम्हारा गुडरा में इवॉल्व नहीं हो सकता। तो चलो हम लोग अब रेन डांस हटा देते हैं क्योंकि अपना गुडरा आ चुका है एंड इसने सीख लिया है एक्वा टेल। सरीना बोली आई एम गोइंग टू टेक इवन बेटर रैश, आई विल बी मेक मे आओ। हाँ ठीक है ऑल द बेस्ट सरीना। एंड गाइस यार मैंने अपने चैनल पर एनालिसिस चेक किए तो उस पर दिखा रहा था गाइस कि 33% लोग मतलब कि सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो लोग मेरी फुल वीडियो देखते हैं। तो थैंक यू गाइस, तुम लोग देखते हो, वेरी वेरी थैंक यू। लेकिन यार सब्सक्राइब भी कर दिया करो, आई होप तुम लोग सब्सक्राइब कर दोगे एंड फटाफट 200 भी करवा दोगे। तो गाइस यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो मेरे चैनल पर, तुम लोग को औसम औसम वीडियो मिलती रहेगी हमेशा। तो चलो तब चलते हैं आगे एंड हमें मिला है डैम्प रॉक एंड मैं किसी ट्रेनर से अब यहाँ पर बैटल नहीं करना चाहता। तो गाइस इसे हरा देते हैं जस्ट 1 2 3। तो ओके गाइस मैंने हरा दिया, तो चलो यार फटाफट आगे चलते हैं। एंड वंस अगेन थैंक यू यार, तुम लोग मेरी हर वीडियो पे पूरा सपोर्ट दिखाते हो गाइस, ऐसे आगे भी दिखाते रहना। एंड मैंने इन सब को हराया था कि अपना टाइम ना वेस्ट हो। एंड गाइस हम आ चुके हैं लेवर्ट सिटी में। तो यहाँ पे बिना टाइम पास किए जो अपना पहला काम है वो है अपने पोकेमॉन को हील कराना, क्योंकि थोड़े से मेरे पोकेमॉन देखो HP डाउन नहीं होती लेकिन PP डाउन हो जाती है ना, तो PP तो मेन ही होता है। तो चलो चलते हैं जिम में बिना टाइम पास किए। तो यहाँ पे मुझे रेपल यूज़ नहीं करना है। नहीं ये दुखारी तो अपना नया दोस्त है स्वायर। आई कांट बिलीव आई लॉस्ट, हाउ एम आई। ओके यार चलो ठीक है, ये हमारा नया हाउ मैनी, और ये पूछ रहा था बस कितने बैजेस हैं। तो गाइस मेरे पास 5 बैजेस हैं अभी। तो ये बोल रहा है कि मुझे एक तरीके से ट्रेनिंग बैटल चाहिए। स्वायर हमारा एक नया दोस्त है एंड ऐश के साथ इसने बैटल की थी लीग में एंड हमारे साथ भी तो करेगा ही ना बात ये। तो हमारा नया दोस्त स्वायर तो ये बोल रहा है कि मतलब कि जिम बैटल ये हार चुका है एंड तुम्हारे पास कितने ज़्यादा जिम बैजेस हैं और मुझसे बैटल करो। तो हमने कर लिया है इससे बैटल एंड ये हार चुका फिर से, तो हमने हरा दिया स्वायर। आई सी आई विल मेक अ नॉट नोट ऑफ दैट। ओ भाई साहब नोट बनाएगा नहीं, फ्रॉगेट यार अभी तुम्हें इवॉल्व नहीं होना है।
दैट वॉज इम्प्रेसिव आई सी नाउ और आई वॉन्ट टू। अच्छा ठीक है भैया तुम जाओ। ये बोला गाइस कि ऐसे अब अच्छा बनना है, मतलब कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेनर बनना है, तभी तो मैं जा रहा हूँ लेकिन बाद में वापस आऊँगा, तो ऐसा तो वो बोल रहा है। तो अभी तो खाली हो चुका है लेकिन हमें आगे वेट करना चाहिए थोड़ा सा। एंड गाइस यहाँ तो पोकेबॉल फैक्ट्री है यार, जैसे घुसो यार ये लोग कैसे पहुँच जाते हैं हर समय। तो गाइस इसे हरा देते हैं इन जस्ट 1, 2, 3। तो गाइस मैंने इन्हें हरा दिया, हर बार तो ये उड़ी जाते हैं आसमान में। बट नहीं फ्लेचेंडर अभी तो मैं इवॉल्व नहीं होने, मतलब हर जगह टांग घुसेड़ेंगे। तो यार ये हमें इस पोकेबॉल फैक्ट्री को बचाने के लिए कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, जो कि यार मास्टर बॉल। थैंक यू अंकल जी। तो चलो एक बार अपने पोकेमॉन जरा मैं हील करा लेता हूँ, मतलब कि यार जहाँ भी जाओ टीम रॉकेट पहुँच ही जाते हैं। चलो ठीक है, हम तो हर बार उन्हें हरा ही देते हैं। एंड आई होप यार तुम लोगों को वीडियो में मज़ा आ रहा होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब गाइस ज़रूर कर देना। तो अब चलते हैं यार जिम बिना टाइम पास किए। एंड ये कोई साइकिक टाइप जिम लग रही है यार मुझे। हाँ देखो फेरी टाइप पोकेमॉन यूज़ करती है, जो कि वीक है पॉइजन और स्टील टाइप। मेरे पास तो कोई पॉइजन और स्टील टाइप है नहीं, लेकिन हावलूचा के पास स्टील विंग या फिर फ्लेचेंडर के पास होना चाहिए। तो देखो यार यहाँ तो बहुत सारे लग रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ तुक्का मारूंगा, यहाँ पे सीधे जाता जाऊँ। एंड देखो गाइस हम लोग इतने जल्दी पहुँच गए यार, कि जो बॉक्सेस होते हैं ना उस पर सीधे सीधे चला करो तो तुम जल्दी पहुँच जाते हो। तो हम आ गए वेलीरा के, अरे यार वैली ना सुन नहीं दे रहा है, वेलीरी। ओ इफ एस इंडेटा यंग ट्रेनर सो यू हैव फ्लोन ऑल द वे। या मुझे तुम्हारी बकवास सुनना नहीं है, डायरेक्ट मुद्दे पे आओ, बैटल पे आओ। तो यहाँ मैं पिकेचू एंड फ्लेचेंडर का इस्तेमाल करने वाला हूँ। दो पोकेमॉन उसके पास भी हैं, दो पोकेमॉन गाइस मेरे पास भी हैं। उसका पहला पोकेमॉन है स्प्रिट सी, तो इसको तो अपना पिकाचू निपटा देगा। वेरी गुड पिकेचू। एंड अब बारी है मेरे फ्लेचेंडर की। ओके उसका अगला पोकेमॉन गाइस सेल्वियन, तो एम्बर कुछ नहीं काम आया एम्बर। वो क्या है स्टील विंग है, तो बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया यार, मौज करा दी फ्लेचेंडर। तुम ये कर सकते हो फ्लेचेंडर, स्टील विंग से ख़त्म। ज़्यादा तारीफ करना कोई दिक्कत नहीं है, अब लग गया स्टील विंग। एंड ओ यार थोड़ा सा बचा है भाई साहब, कोई नहीं फ्लेचेंडर तुमने बहुत बढ़िया किया। आ जाओ पिकाचू इसकी बैंड बजाने, इलेक्ट्रो बॉल से ख़त्म कर दो। तो गाइस हमने हरा दिया ऐसे। एंड इस हमें एक नया जिम बैच मिल चुका है, जो कि है फेरी बैच, और एक टीएम भी मिला है जो कि है मून ब्लास्ट। मून ब्लास्ट एक बढ़िया टीएम है। तो चलो तब फटाफट यहाँ से बाहर निकलते हैं। एंड हमने अपना यार छठा जिम बैच जीत लिया है कालॉस रीजन का, यानी कि गाइस बस दो और बाकी हैं, उसके बाद हम लीग में हिस्सा ले पाएंगे। तो मैं तुम लोग को दिखाता हूँ अपना छठा जिम बैच। हाँ ये रहा गाइस फेरी बैच। तो यार ये देखो स्वैर यहाँ फिर आगे खड़ा हो गया। यू बीट द जिम ऑलरेडी, हाँ यार मैंने तो कर दिया मैन, यू आर गुड। वो तो मैं हुई। तो यार दोबारा से बैटल करता है, तो इसे हरा देते हैं जस्ट 1, 2, 3। तो के गाइस मैंने हरा दिया स्वैर को, एंड इसकी फालतू बकवास मुझे नहीं सुननी है। तो चलो यार स्वैर बाय बाय, बाद में मिलेंगे, हम लोग लीग में मिलेंगे अब। एंड यहाँ ज़रा मैं एक बार रैपल यूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि यहाँ रैपल्स का काम आएगा, क्योंकि देखो यहाँ बहुत सारी ग्रास है। नीचे चल के देखते हैं यार यहाँ का है। ओके गाइस यार तो एग है, और अगर तुम लोग को याद होगा, अगर तुम लोगों ने एनिमी देखी होगी तो पक्का याद होगा कि इस एग में कौन सा पोकेमॉन है। चलो चल चला। ओ भाई साहब तो हैच भी हो गया यार, मतलब कि इतने जल्दी। एंड गाइस एग इस एग में से निकला है अपना प्यारा प्यारा नुई बैट, नहीं हमें निक नेम नहीं देना है। तो यार एग से निकला है तो लेवल 1 ही का होगा, तुम लोग को तो पता ही होगा। तो अब मैं इसे EXP शेयर दे देता हूँ, मेरे पास EXP शेयर होना चाहिए, होना क्या चाहिए, होगा नोई बैट को। चलो गाइस हमने EXP शेयर दे दिया। चलो यार फटाफट अब यहाँ से चलते हैं, एंड जितने ज़्यादा ट्रेनर स्किप करेंगे उतना अपने लिए प्रॉफिट रहेगा, तो आई होप मैं कर दूँ। तो गाइस इसे हरा देते हैं जस्ट 1, 2, 3। तो ओके गाइस मैंने हरा दिया, तो चलो यार फटाफट अब आगे चलते हैं। एंड यहाँ गाइस डबल बैटल है, तो इन्हें भी हरा देते हैं जस्ट 1, 2, 3। तो ओके गाइस मैंने हरा दिया इन दोनों को। तो यहाँ एक पोकेबॉल पड़ा है, इसे ले लेते हैं, इसमें एक प्रोटीन है। एंड इसे भी चलो ठीक है, अच्छा कोई बैटल नहीं कर रहा। एंड मैं कुछ ट्रेनर्स को स्किप करने की कोशिश कर रहा हूँ, बाकी देखो। एंड गाइस इसे नहीं स्किप कर पाया, तो इसे हरा देते हैं जस्ट 1, 2। तो ओके गाइस मैंने उस ट्रेनर को हरा दिया था, एंड फाइनली अपना फ्लेचेंडर इवॉल्व हो रहा है अपने एक और ताकतवर पोकेमॉन टेरॉन फ्लेम में। वेलकम टेरॉन फ्लेम टू आवर टीम। एंड कोई नया अटैक ही नहीं सीख रहा है,
तो चलो चलते हैं तब बिना टाइम पास किए। एंड गाइस हम आ चुके हैं डैडी माइल सिटी। अब यहाँ पे भी अगर जिम हो तो बहुत बढ़िया बात है, और ना हो तो भी बहुत नहीं यार, क्या ना हो तो यहाँ शायद कोई अपना काम है। एक बार थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे कुछ काम है क्या, इससे बात करते हैं पहले। ओके, तो ये बोल रहा है कि यहाँ कोई पोकेमॉन परफॉर्मर आई थी जो कि जीत के बड़ी खुश थी। एंड पोकेमॉन परफॉर्मर तो सरीना है, यानी कि उसने अपना मैच जीत लिया, मैच के जीत के मतलब परफॉर्मर अच्छा की तो जीत गई, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो चलो यार अब आगे चलते हैं बिना टाइम पास के। आई थिंक यहीं से रास्ता जा रहा है, ये बैटल ना करे बस, नहीं किया। थैंक यू यार अंकल जी। एंड हम किसी स्नोई एरिया में आ गए, तो गाइस जिसे हरा देते हैं जस्ट 1-2। तो ओके गाइस मैंने हरा दिया है, तो चलो यार फटाफट आगे चलते हैं। मैंने इन दोनों को भी हरा दिया है एंड केव में चलते हैं। फिर एक आईजी केव है एंड यहाँ पे भी गाइस नर्स जॉय हमारी मदद करने के लिए हैं, तो थैंक यू नर्स जॉय। एंड यहाँ से ज़रा पोके बॉल रहने दो, बाद में ले लूँगा। तो गाइस इसे हराना पड़ेगा, तो इसे हरा देते हैं जस्ट 1-2-3। तो ओके गाइस मैंने हरा दिया है, तो चलो यार फटाफट अब आगे चलते हैं। एंड यहाँ से चलना पड़ेगा क्या, चलते हैं आगे तब। एंड शायद हमें इसे भी हराना पड़ेगा। ओके बच गया यार, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये भी हमसे बैटल नहीं कर रहा, अगर बैटल से बचते गए तो बहुत बढ़िया है यार, ठीक ही ठाक है, बैटल से बचे रहो ज़्यादा ठीक है। तो मैंने थोड़ी सी बैटल स्किप करी है, मैंने इन सब से बाद में लड़ लूँगा। एंड अब शायद हमें ऊपर की ओर जाना पड़ेगा। एक पोकेबॉल पड़ा है तो इसे ले लेते हैं, इसमें इथर है। ओके इथर भी बढ़िया है, सुपर यूज़ करते हैं सुपर अपन। एंड बाकी यहाँ कुछ नहीं है, तो ओके गाइस यहाँ पे डबल बैटल है, तो इन्हें हरा देते हैं जस्ट 1-2-3। तो ओके गाइस मैंने हरा दिया इन दोनों को, तो चलो यार फटाफट अब आगे चलते हैं। एंड हम आ चुके हैं रूट नंबर 17 पे, एंड आई होप हम ये भी ओके, मैंने ये वाली बैटल भी मिस कर दी, चलो फिर बाद में कर लेंगे। तो चलो यार बिना टाइम पास किए यहाँ के पोकेमॉन सेंटर चलते हैं एंड यहाँ के जिम चलते हैं, अपना 7वां जिम बैच जीतने। मज़ा आ गया रात की वीडियो में भी हमने, आई होप कि हम जीत गए 7वां जिम बैच। एंड ये दोनों जाने नहीं दे रहे, रेडी टू गो टू द, नहीं यार अभी कहाँ। ओलंपिया सेड शी वॉज वेटिंग एट द एनेस्टर सन डायल फॉर अ ट्रेनर, द जिम इज क्लोज अंटिल देन। आई थिंक यही जाना है ना, हाँ ठीक है चलते हैं तब। एंड ये रही यार ओलंपिया, ओलंपिया आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू एश, आई हैव हैड अ विजन यू वुड कम, अच्छा पहले ही सोच के रखी है, वाह। आई हैव ऑल्सो सीन इन टू योर, अरे भाई साहब भविष्यवाणी, वाह। द विजन इज क्लाउडी बट आई हैव सीन, यार तो तुम जिम लीडर क्यों हो, तुम जाओ जोशी बन जाओ, मतलब कि तो ठीक है गाइस इसने मान लिया है। एंड अभी हमारा जिम में इंतज़ार करेगी। एंड हमें एक हॉन्डूमा नाइट मिला, इसमें हम हॉन्डूम को इवॉल्व कर सकते हैं। एंड पिजियॉट यार, पिजियॉट मतलब कि पिजियॉट का मेगा स्टोन, एंड स्लाइमंस का भी यार, एंड मेटाक्रॉस का यार, मतलब कि चार पोकेमोन का हमें अरे यार क्या बोल रहा हूँ मैं, मेगा स्टोन मिल गया है। तो अब वापस चलते हैं जिम में। एंड यार मतलब जैसे उसने बोला ना जोशी टाइप, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, तो करते हैं जिम बैटल एंड इन्हें हरा देते हैं जस्ट 1-2-3। तो क्या गाइस मैंने इन सबको हरा दिया एंड अब मैंने अपने पोकेमोन हील भी नहीं कराए हैं, चलो ठीक है बाद में करा लूँगा, अभी जिम बैटल करते हैं ओलंपिया के साथ। यू हैव मेड इट, लेट्स बिगिन। ओके एक टफ चॉइस है, पिकाचू, हवालूचा, एक मिनट, पिकाचू, टेरोन फ्लेम एंड गाइस नोई बैट क्यों। ओके चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मैं दो ही पोकेमोन के साथ जा रहा हूँ, टेरोन फ्लेम एंड पिकाचू के साथ जा रहा हूँ। एंड इसके पोकेमोन है मियोस्टिक एंड अच्छा दोनों मियोस्टिक एंड स्टील विंग। आई होप स्टील विंग एकदम सही ठिकाने पे लगे ताकि इन लोग का ठिकाना बदल जाए, लेकिन नहीं लगा, बल्कि डार्क पल्स थोड़ा ज़्यादा इफेक्टिव है। लेकिन चलो ठीक है, अपने पिकाचू ने सब कुछ संभाल लिया है। टेरोन फ्लेम लेवल 38 का हो चुका है एंड मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नोई बैट को भी ट्रेन कर दूंगा। तो गाइस हमें मिल चुका है एक नया जिम बैच जो कि है साइकिक बैच, और एक टीएम भी मिला है जो कि है स्टोर्ड पावर। ओके थैंक यू ओलंपिया। तो अभी चलते हैं आगे पोकेमॉन सेंटर में अपने पोकेमॉन हील कराने, कर दो भैया हमारे पोकेमॉन हील।
ओके गाइस, तो आज की वीडियो में तो हमने बहुत ज़्यादा मज़ा किया, मतलब कि अब हमें मिल गया नोए बैट भी लेवल 24 का हो चुका है। एंड अपने नेक्स्ट वीडियो में अपने सारे पोकेमोन को लेवल 40 का कर दूंगा गाइस नोए बैट। अब देखो, क्योंकि मैंने ट्रेनर्स स्किप किए हैं तो उनसे मुझे एक्सपीरियंस मिल जाएगा। तो गाइस, आई होप तुम लोग को आज की वीडियो में मज़ा आया हो। एंड वन मोर थिंग गाइस, जो लोग मेरी फुल वीडियो देखते हैं तो थैंक यू सो मच यार, लेकिन जब मैंने देखा 33% लोग सब्सक्राइब नहीं करते लेकिन मेरी फुल वीडियो देखते हैं, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। एंड गाइस, सब्सक्राइब भी कर दो। तो गाइस, आई थिंक हमें आज की वीडियो में बस इतना ही रखना चाहिए। तो मैं मिलता हूँ तुम लोगों से जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।